गुजरात बीजेपी में बगावत, हाईकमान ने उम्मीदवारों की बयानबाजी पर लगाई रोक। बगावत के चलते कई सीटों पर उम्मीदवार बदलने की तैयारी। पहले ही दो सीटों पर पार्टी बदल चुकी है उम्मीदवार। गुजरात में लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा में कैंडिडेट्स का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ राजकोट सीट से भाजपा के कैंडिडेट परसोत्तम रूपाला के खिलाफ क्षत्रिय समाज में भारी नाराजगी दिखाई दे रही है, तो दूसरी तरफ साबरकांठा में कैंडिडेट बदलने के बाद भी भाजपा के कार्यकर्ताओं की नाराजगी कम होने का नाम नहीं ले रही है, बल्कि उल्टा बढ़ गई है। जबकि अमरेली लोकसभा से भाजपा के कैंडिडेट भरत सुतरिया के विरोध में पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। सीएम भूपेंद्र पटेल, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सीआर पाटिल सहित तमाम दिग्गज नेता रूठे नेताओं को मनाने में जुट गए हैं, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई बहुत बड़ी सफलता नहीं मिल पाई है। इस बीच परसोत्तम रूपाला के तो शहर शहर पुतले फूंके जा रहे हैं। राजकोट से बीजेपी उम्मीदवार केंद्रीय मंत्री परसोत्तम रूपाला को क्षत्रिय समाज के आक्रोश का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में गुजरात के खेड़ा में श्री गुजरात राजपूत सेवा समाज और क्षत्रिय समाज के नाम से रूपाला के विरोध में बीजेपी से बैर नहीं रूपाला तेरी खैर नहीं के पोस्टर लगाए गए हैं। इस पोस्टर को खेड़ा जिला करणी सेना की तरफ से सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रूपाला का विरोध दर्ज किया जा रहा है। दरअसल ये नाराजगी रूपाला के क्षत्रिय समाज के खिलाफ दिए गए एक बयान से भड़की है। रूपाला इसके लिए लगातार माफी भी मांग रहे हैं। अब चुनावी माहौल के बीच गुजरात बीजेपी ने अपने सभी उम्मीदवारों के बयानबाजी पर रोक लगा दी है। साथ ही सभी उम्मीदवारों को मीडिया के साथ इंटरव्यू देने से भी रोक दिया है। इसकी सूचना सभी उम्मीदवारों को फोन करके दी गई है। बीजेपी के अंदर अब दूसरी जगह भी विरोध तेज हो गया है। साबरकांठा में तो विरोध के चलते पहले उम्मीदवार ही बदल दिया गया था, लेकिन उम्मीदवार बदलने के बाद भी हालात सुधरते नहीं दिखाई दे रहे हैं। पहले भिखाजी ठाकुर को उम्मीदवार बनाया गया था, बाद में उनकी जगह शोभना बरैया को मैदान में उतारा गया, लेकिन यहां बीजेपी के नेता बरैया का भी जमकर विरोध कर रहे हैं। इसके बाद सीएम भूपेंद्र पटेल खुद नाराज लोगों को मनाने में जुट गए हैं। इससे पहले साबरकांठा के कार्यकर्ताओं को समझाने खुद गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी गांधीनगर से साबरकांठा पहुंचे थे, लेकिन बात नहीं बनी। इसके बाद सीएम भूपेंद्र पटेल को खुद गांधीनगर स्थित निवास पर साबरकांठा के नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करनी पड़ी, लेकिन बात अभी तक बनती नहीं दिखाई दे रही है। सीएम भूपेंद्र पटेल ने डैमेज कंट्रोल करने के लिए 4 घंटे बैठक कर नाराज नेताओं कार्यकर्ताओं की बातें सुनते रहे। बाद में उन्होंने ऑल इज वेल होने का दावा किया, लेकिन पार्टी नेताओं के चेहरे बता रहे हैं कि मामला अभी तक सुलझ नहीं पाया है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि साबरकांठा सीट पर कार्यकर्ताओं का आक्रोश शांत करने के लिए बीजेपी कितनी सफल हो पाती है, या फिर कार्यकर्ताओं की बात को सुनते हुए तीसरा कैंडिडेट घोषित करती है। गुजरात की अमरेली लोकसभा सीट से बीजेपी ने भरत सुतरिया को कैंडिडेट बनाया है, लेकिन भरत सुतरिया के नाम के ऐलान के बाद से अमरेली में उनके नाम को लेकर बीजेपी में ही आंतरिक विरोध शुरू हुआ। भरत सुतरिया का विरोध अब पोस्टर के जरिए हो रहा है। भाजपा के कैंडिडेट भरत सुतरिया का विरोध होता देख संगठन की तरफ से डैमेज कंट्रोल करने के प्रयास शुरू हुए हैं। विरोध दूसरे उम्मीदवारों का भी हो रहा है, लेकिन बीजेपी की लगातार हो रही बैठकों में कई जगह रूठे नेताओं को मनाने में कामयाबी भी हासिल हुई है, लेकिन एक दर्जन के करीब सीटों पर अभी भी कार्यकर्ताओं और नेताओं की नाराजगी बनी हुई है। ऐसे में बीजेपी हाईकमान की चिंता बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल बीजेपी इस बार भी गुजरात में सभी 26 सीटों पर जीत तय मानकर चल रही थी, लेकिन गुजरात में कांग्रेस और आप के गठबंधन के बाद बीजेपी के अंदर उम्मीदवारों के शुरू हुए विरोध के बाद अब स्थिति तेजी से बदलने लगी है। बीजेपी को भी अब इस बात का डर सताने लगा है कि अगर हालात इसी तरह से खराब होते रहे तो पार्टी के लिए 1.5 दर्जन सीट जीतना भी मुश्किल हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नव दर्पण न्यूज़।